मीन गर्ल्स, ये एक म्यूजिकल टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अब वीओडी पर हिंदी में रिलीज हो चुकी है। और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूँ और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूँ। तो चलें बिना को टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप इस फिल्म में देखेंगे एक लड़की केडी की कहानी जो एक नए स्कूल को ज्वाइन करती है और वहाँ उसकी मुलाकात एक पॉपुलर इलीट गर्ल्स ग्रुप की लीडर रिजीना से होती है जो केडी को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। लेकिन केडी के लिए मुश्किल वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब वो रिजीना के एक्स बॉयफ्रेंड को पसंद करने लगती है और फिर केडी को अपनी स्कूल लाइफ में किस तरह के अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि यह फिल्म रीमेक है 2004 में रिलीज हुई मीन गर्ल्स फिल्म का और वो 2004 वाली फिल्म इस वक्त नेटफ्लिक्स इंडिया पर हिंदी में अवेलेबल है और मैंने वो 2004 वाली फिल्म भी देख रखी है और अब ये न्यू फिल्म भी मैंने देख ली है। कहानी में कोई फर्क नहीं है, फर्क बस है एग्जीक्यूशन का। इसीलिए पर्सनली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मीन गर्ल्स फिल्म देखनी ही है तो फिर आप 2004 वाली फिल्म देखें, वो देखने में आपको ज्यादा मजा आएगा, वो फिल्म आपके लिए एक फन एक्सपीरियंस साबित होगी। अब बात करें इस न्यू मीन गर्ल्स फिल्म की तो यहां उसी 2004 वाली फिल्म की कहानी को म्यूजिकल ड्रामा बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। काफी सारे सॉन्ग्स इस फिल्म में ऐड कर दिए गए हैं, हर थोड़ी देर के बाद आपको सॉन्ग सुनने को मिलता रहेगा जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। बाकी कॉमेडी और ह्यूमर भी इस फिल्म का काफी फीका है ओरिजिनल फिल्म के मुकाबले में। लेकिन फिर भी अगर आपको म्यूजिकल ड्रामास देखना बहुत पसंद आते हैं और अगर आप ओरिजिनल फिल्म नहीं देखना चाहते हैं तो फिर आप ये फिल्म देखकर भी अपना टाइम पास कर सकते हैं। ये फिल्म भी आपको कुछ पार्ट्स में जरूर एंटरटेन करेगी और आपको इस फिल्म के भी कैरेक्टर्स थोड़े बहुत पसंद आ जाएंगे और जो सोशल कमेंट्री फिल्म में की गई है या जो मैसेज ये फिल्म देती है वो सब भी आपको थोड़ा बहुत पसंद आ जाएगा। लेकिन वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी ये फिल्म जो ओरिजिनल फिल्म करती है। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिनल फिल्म देखें, वो आपको ज्यादा पसंद आएगी। बाकी इस न्यू फिल्म में एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेस, फिल्म का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी डिसेंट है। इन शॉर्ट मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 6 out of 10 क्योंकि मेरी नजर में ये न्यू फिल्म एक ब्लो एवरेज फिल्म है। और हां, ये फिल्म फैमिली साथ भी देखने के लिए नहीं है क्योंकि इस फिल्म में आपको कुछ किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, एडल्ट लैंग्वेज आपको सुनने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।